another video. This is Sanidhya. This time I'm back with something special, something new in this video. आज हमारे हैं स्वामी प्योर वेज जो कि लोकेटेड है चिकली पुणे में. सुना है यहाँ के डिशेस बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज होते हैं. सो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं इनके स्पेशल डिशेस और देखते हैं कैसा इसका टेस्ट. लेट्स स्टार्ट इट. सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो भी ऑर्डर किया है इट्स रेडी और आ गया है टेस्ट करने के लिए. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसे टेस्ट करने के लिए. विल स्टार्ट विथ वेज पटियाला. लेट्स स्टार्ट दिस. सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा वेज पटियाला रेडी है एंड मैं इसे टेस्ट करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ. आई एम यू टेस्ट इट विथ दिस रोटी. लेट्स स्टार्ट दिस. मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ. पापड़ के अंदर जो पनीर है इट्स बर्स्टिंग आउट और इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है. जैसे मसाले के साथ इन्होंने पूरा ही इसको पूरा मसाला डाला है इसके ऊपर. मसाले का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है. थोड़ा सा लाइट शुगरी आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है. इसमें इन्होंने भर भर के चीज़ डाला है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है. लेट्स गेट इनटू इट. देखते हैं इसमें इन्होंने और क्या क्या डाला है. लेट्स हैव वन मोर गाइस. इसमें जो इन्होंने वेजिटेबल्स डाले हैं उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है. इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल वेजिटेबल्स नहीं है. इसको इन्होंने कट करके डाला है, गार्निश करके डाला है. बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है. आई रियली लव द वेज पटियाला. इट्स रियली ऑसम. सो गाइज, हम इनका लहसुनी कबाब टेस्ट करने वाले हैं. लेट्स गेट इट. इन्होंने ये सर्व किया है चटनी के साथ. ये मिंट की चटनी है पुदीने की. चटनी थोड़ी हल्की सॉल्टी है जो कि पनीर के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है उसका. इन्होंने इसमें अलग अलग तरह के मसाले डाले हैं. चाट मसाले का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है. इनका जो पनीर है बहुत ही सॉफ्ट है. बहुत ही अलग तरीके का पनीर है. जैसे कि ये लहसुन से बना हुआ है सो इसमें जो लहसुन का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है. मुझे लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है. सो इसमें ये अच्छा टेस्ट आ रहा है. विल हैव इट वन मोर विथ चटनी. ये अकेले भी अच्छा लग रहा है बट चटनी के साथ इस पर बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है. इट्स लुकिंग सो डिलीशियस. आई रियली लव दिस टेस्ट. सो जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये इनका मंगोलियन डिश जो कि बहुत ही देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है. लेट्स टेस्ट इट. इन्होंने इसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व किया है. इन्होंने कैशनट डाला है. लेट्स हैव इट. इसमें इन्होंने झुकनी डाला है जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है एंड वेजिटेबल्स भी डाले हैं. वैसे तो चाइनीज़ फूड सबका फेवरेट होता है. आई रियली लव द चाइनीज़ और ये भी बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहा है. इसमें जो लहसुन इन्होंने डाला है इसका पेस्ट करके नहीं डाला है. इन्होंने लहसुन काट के डाला जो एक बार ऐसे मुंह में पड़ते ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका. इट्स रियली वेरी डिलीशियस. आई रियली लव द टेस्ट ऑफ दिस आल्सो. सो जैसे कि देख सकते हैं आप ये इनका है शंघाई पनीर. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट इट बिकॉज इसका नाम बहुत ही हैवी लगता है. सो चलिए देखते हैं कैसा इसका टेस्ट. ये पनीर थोड़ा हार्ड है. इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल पनीर. इसको काफ़ी ग्रिल किया गया है. इसमें भी इन्होंने लहसुन का ही
टेस्ट डाला है जैसे कि ऊपर से दिख रहा है. चलिए टेस्ट करते हैं. इसमें उनका खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है जो कि बहुत ही यूनिक टेस्ट है. आई रियली लव्ड इट. और इसमें उन्होंने लहसुन का जो टेस्ट डाला है वो भी उन्होंने पेस्ट करके नहीं डाला है. इट्स ऑल्सो गार्निश्ड, जिसके अगर हम ऐसे टेस्ट डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कोई भी डिश में. इट्स रियली वेरी गुड. आई रियली लव दिस. Awesome. It's outstanding. मुझे इनके सारे ही डिशेस बहुत अच्छे लगे. सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वेज पटियाला एंड ये शंघाई पनीर, बिकॉज पनीर इज़ माई फेवरेट एंड इट्स आउटस्टैंडिंग. आई रियली लव दिस टेस्ट. टू गुड. सो गाइस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इनका हनीमून मॉकटेल, विच रियली साउंड्स वेरी डिफरेंट. एंड सो चलिए टेस्ट करते हैं इनका हनीमून मॉकटेल कैसा लगता है. ये ऊपर का ये जो है कीवी का फ्लेवर दिया है एंड नीचे इज रोज. सो देखते हैं. बहुत ही अच्छा रोज़ का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है. And we'll taste kiwi as well. Rose का flavor जो है वो काफ़ी मीठा है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है. It's thick as well. ये बिल्कुल पतला नहीं है, बहुत thick है. And kiwi का flavor, it's also outstanding. I really love this mocktail. Too good. So guys, I really love the taste. Really love the place over here. And also if you are in Pune or you come in Pune, please do not forget to visit this place. Also if you like my video, please do not forget to like, share and subscribe. And also please do not forget to press the bell icon so that I can notify you for the next video. Also you can follow me on Instagram. The link is in the description. Thank you so much for watching my video. See you in the next one with something special and none other than the different